नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजाना न्यूज़। मैं शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। सुबह से गुना में शुरू हुई सैनिक भर्ती रैली में विगत रात पहुंचे अभ्यर्थियों को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। इन अभ्यर्थियों से बात करने पर पता चला कि इन्हें इसी तरह से लगभग 4000 अभ्यर्थी रात भर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। जहां पर एक और प्रशासन लगभग एक महीने पहले से सैनिक भर्ती रैली की तैयारियों में लगा था, इसके बावजूद भी इन लोगों को सर छुपाने तक के लिए जगह मुहैया नहीं कराई गई। रात करीब 11 बजे जब हमारी टीम इन भर्ती रैली में पहुंची तो वहां पर अभ्यर्थियों से बात करने पर उन्होंने बताया कि उन्हें किस तरह से यहां पर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी उन्हें रात में आसमान तले ही रहने को मजबूर हैं। गौरतलब है कि सैनिक भर्ती रैली आगामी 22 जनवरी तक गुना में होगी। तब तक रोज यहां पर हजारों की संख्या में युवा पहुंचेंगे। अभी तो वक्त ही बताएगा कि प्रशासन इनके रुकने की क्या व्यवस्था करता है। कड़कड़ाती ठंड में भी सैनिक बनने आए युवकों में जोश की कहीं भी कमी देखने को नहीं मिली। वहीं ठंड में इन्होंने दौड़ भी लगाई, साथ ही पुशअप भी किए और अपनी छाती एवं लंबाई की नाप भी दी। भर्ती रैली में छात्रों की संख्या देखने लायक रही। मुरैना से आए हुए कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ 25-30 लड़के हैं। तो यहाँ कोई व्यवस्था आपको नहीं की गई है जहाँ रुक सके या सो सके? कोई खास व्यवस्था नहीं की गई है, मतलब पानी कुछ व्यवस्था अलग से, मतलब आर्मी की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। पानी सरसों से आए हम। तो यहाँ पे कुछ व्यवस्थाएं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके की व्यवस्था यहाँ पे आपको मिल रही है, खुले आसमान के नीचे आप लोग लेट रहे हैं? जी पार्क में है तो अब व्यवस्था तो ऐसी ही है, पानी की व्यवस्था, पानी वगैरह नहीं है। आप लोगों को शौचालय के बारे में कुछ बताएगा? शौच के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपकी क्या प्लानिंग है? सुबह जाना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं। शौचालय के बारे में कोई कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं करूंगा काउंट, एक तो ऊपर जाना है, डाउन तो नीचे, ठीक है? एक, डाउन, दो, डाउन, तीन, डाउन, छः, डाउन, सात, एक, डाउन, दो, डाउन, तीन, हाथ नीचे, हाथ नीचे, हाथ नीचे, आराम से, रिलैक्स। चलो आप डाउन, सांस भरना है ऐसे, ठीक है? ऐसे नहीं करना, पीछे सीधा खड़ा रहना। चलो आप 77 रास्ते में पड़ी घायल गाय की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल कायम की गई। बात कर रहे हैं मुस्लिम समाज के युवा संगठन फिक्रे मिल्लत गुना की संयोजक मोहसिन कुरैशी की। बता दें कि मोहसिन कुरैशी विगत रात हनुमान कॉलोनी से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक गाय घायल अवस्था में दिखी जिसकी कोई सुध लेने के लिए नहीं था। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों की सहायता से उस गाय को पशु चिकित्सालय ले जाया गया, साथ ही डॉक्टर को भी वहां बुलवाया गया। इसकी सूचना उन्होंने गौ सेवक अमन नामदेव को भी दी, जो थोड़ी देर में अपनी टीम के साथ पशु चिकित्सालय पहुंच गए। वहां पहुंचकर अमन नामदेव ने अपनी टीम के साथ ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर से तुरंत इस गाय के बछड़े की देखरेख कर उसके उपचार करने की बात कही, जिसके लगभग आधे घंटे के बाद बछड़ा चलने फिरने के लायक हो गया। डीजियाना परिवार मोहसिन कुरैशी एवं अमन नामदेव के सराहनीय कार्य के लिए उन्हें सलाम करता है।
डाल दो बहुत सारे को इसकी काटो ना रस्सी इधर ले क्या अरे कुछ नहीं वीडियो बन रही है पार्टी लगी हम देंगे तो नहीं नहीं अच्छी नहीं नाम तो बाबा ये बना नहीं तो कुछ नहीं करा हां बीच में हाथ लगा बीच में बीच में हनुमान कॉलोनी के उधर से गुजर रहे थे तो वहाँ पे देखा था कि गाय घायल अवस्था में पड़ी हुई थी। इसमें मैंने देखा तो मैंने अमन नामदेव को फ़ोन लगाया क्योंकि गौ सेवक है, और उसके करने के बाद हम उसको पॉजिटिव कसर लेके आए। फिर उसके बाद अमन नामदेव और हमारे सभी साथियों ने मिलकर गाय का इलाज करवाया, क्योंकि वहाँ पर दो तीन गाय और इस अवस्था में पड़ी हुई थी जिनका इलाज करवाया गया, डॉक्टर को बुलवाया गया और अभी उनकी हालत बहुत अच्छी है, उसमें सुधार है। हनुमान कॉलोनी से सूचना मिली कि गौ माता का अभी एक्सीडेंट हुआ है और मोहसिन कुर्रसी जी और उनके साथी कुछ समय बाद फोन आया कि हम उसको पशु चिकित्साला लेकर आ गए हैं। तो हम पशु चिकित्साला पहुंच गए और गौ माता का उपचार हो गया है, और जिस किसी भाई को भी गौ माता दिखाई दे, घायल बीमार दिखाई दे, पशु चिकित्साला लाने की कृपा करें, नहीं तो हम जैसे गौ सेवकों से संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7566-7751, अमन नामदेव, दुर्गा कॉलोनी। चाचोड़ा के समस्त शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के संचालक एवं प्राचार्यों ने चाचोड़ा बीआरसी दशरथ सिंह मीना के आदेशानुसार मतदाता जागरूक रैली निकाली। यह रैली शासकीय बालक उच्चतर महाविद्यालय से प्रारंभ हुई और नगर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः वहीं जाकर समाप्त हुई। इस रैली का मुख्य उद्देश्य मतदाता को जागरूक बनाना था। सभी विद्यालयों के बच्चों द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने हेतु यहां पर रैली में नारे भी लगाए गए। इस रैली में अशासकीय विद्यालयों में सन सिटी कॉन्वेंट स्कूल, सरस्वती ज्ञान मंदिर, चंपावती पब्लिक स्कूल के बच्चों के साथ प्राचार्य उपस्थित रहे। जन अभियान परिषद के परामर्शदाता अनिल सुमन भी यहाँ मौजूद रहे। बीनागंज से हमारे सहयोगी शिवम नामदेव की रिपोर्ट। कलेक्टर भवन परिसर में आज संपन्न हुई 26 जनवरी एवं सूर्य नमस्कार को लेकर बैठक। इस बैठक में कलेक्टर राजेश जैन ने सभी विभागों के अधिकारियों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस एवं सूर्य नमस्कार हेतु दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। Yeah.
आज समस्त जनशिक्षण केंद्रों पर पुस्तकों का वितरण किया गया। इन पुस्तकों का वितरण जुलाई में होना था जो कि अब जाकर हुआ है। समस्या पर है कि फरवरी और मार्च माह में परीक्षाएं होने वाली हैं। परीक्षाओं से ठीक पहले पुस्तकों का वितरण क्यों किया गया? वही वितरित की गई पुस्तकों से बच्चों को कैसे काम आएंगी, यह भी एक बड़ा सवाल है। दिन भर बंद रहा कोर्ट परिसर में काम, अधिवक्ता बैठे रहे कलमबंद हड़ताल पर। बता दें कि एक लंबे अरसे से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग चल रही है, लेकिन इसे लेकर अभी तक मांगे पूरी हो जाएंगी ऐसा कोई आश्वासन भी इन अधिवक्ताओं को नहीं दिया गया है। साथ ही बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बचने के लिए अधिवक्ता आज कलमबंद हड़ताल पर बैठे। साथ ही उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के समर्थन में आज कलमबंद हड़ताल रखी गई है। राज्य अधिवक्ता परिषद के आह्वान पर वकीलों के प्रति बढ़ते जा रहे अपराध के प्रति वकीलों में रोष है और सरकार से इसके जरिए मांग की गई है कि तुरंत अतिशीघ्र जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। कुएं में गिरने से भरत सिंह की हुई मौत। बता दें कि भरत सिंह अपने दो अन्य साथियों के साथ खेत पे बने कुएं में से मोटर निकालने के लिए पहुंचा। जैसे ही वह ट्रैक्टर के ऊपर खड़ा हुआ, अचानक ट्रैक्टर आगे की ओर बढ़ गया और भरत सिंह ट्रैक्टर समेत कुएं में गिर गया, जिसे परिजन एवं ग्रामवासी जिला चिकित्सालय लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों की टीम ने उसे मृत घोषित कर दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी शहर से अतिक्रमण का दानव दूर जाने को तैयार ही नहीं। शहर की सड़कें इतनी तंग हो गई हैं कि वहां से निकलना बहुत ही मुश्किल हो गया है, साथ ही साथ अक्सर जाम लगा रहता है। आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश चौकेज गली की। इस गली में से रात के समय दो चार पहिया वाहन आराम से निकल सकते हैं, लेकिन दोपहर के समय यहाँ पर दो पहिया वाहन का निकलना भी मुहाल हो जाता है। दुकानदार अपनी दुकानें आगे निकालकर रोड पर लगाते हैं, साथ ही पार्किंग न होने के चलते रास्ता और भी तंग हो जाता है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन का इन महत्वपूर्ण गलियों को भी अतिक्रमण मुक्त कराने की मुहिम छेड़ता है। रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने आज रुठियाई में विशाल रैली को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष प्रत्याशी श्रीमती आरती महेंद्र शर्मा के लिए घर घर जाकर प्रचार भी किया। अभी कुछ दिन पूर्व आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक आलू से भरा ट्रक
एनएफएल में कार्यरत दंपत्ति की गाड़ी के ऊपर पलट गया, जिसके चलते एक महिला और उसके ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई थी। आज ठीक उसी जगह पर एक बार फिर आलू से भरा ट्रक पलट गया। गनीमत रही कि यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। बता दें कि यहाँ पर रोड के काम के चलते एक अंधा मोड़ बना दिया गया है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। आखिर कब मिलेगी छात्रावास के बच्चों को शासकीय सुविधाएं? कब तक चलती रहेगी प्रशासन के कर्मचारियों की मनमानी? हम बात कर रहे हैं एकलव्य छात्रावास के, जहां होने वाली असुविधाओं एवं बच्चों पर वहां के अधीक्षक और प्रिंसिपल के द्वारा अपनी मनमानी थोपी जाती है। इसी छात्रावास की खबर को हमने पहले भी प्रमुखता से उठाया था, जब एकलव्य छात्रावास के बच्चे अपनी होने वाली परेशानियों को लेकर गुना कलेक्टर राजेश जैन के पास पहुंचे थे। तभी तत्काल कलेक्टर राजेश जैन ने वहां से अधीक्षक गुप्ता को निलंबित कर दिया था। अब वहां पर नए अधीक्षक की पोस्टिंग कर दी गई है। हमारी टीम एक बार फिर एकलव्य छात्रावास पहुंची और जानना चाहा कि क्या वहां पर बच्चों को असुविधाएं जो थी वह खत्म हो गई या नहीं। देखने को वही चीजें मिली जो पहले हुआ करती थी, जब बच्चों ने हमें बताया कि किस तरह से उन्हें कोई भी सुविधाएं नहीं दी जाती। और कुछ बच्चों ने तो हमें यह तक बताया कि अधीक्षक से जब उन्होंने बाल कटवाने की बात कही तब उन्होंने कैंची थमा दी और कहा कि खुद ही बाल काटना सीखो और एक दूसरे के बाल काट लो। जब हमने इस बारे में वहां पर मौजूदा अधीक्षक से बात करना चाहे तो वे इन सभी बातों से साफ मुकर गए एवं बच्चों को ही झूठा साबित करने पर तुल गए। कौन से सर ने बोला था? अधीक्षक सर क्या बोला था? तो मतलब तुम लोग अपने हाथ से काट रहे हो बाल? नहीं, अभी तो दो तीन बच्चों के काटे थे। अच्छा, तुमने ही मतलब दो तीन बच्चों को काट दिए थे? किसने बोला था? अधीक्षक सर ने। क्या नाम है अधीक्षक सर का? नारायण। अच्छा, तुम लोगों ने नहीं बोला उनसे कि बाहर कटवाना है कुछ इस तरह? तो क्या बोले वो? अच्छा, सबसे यही बोला था क्या? क्या बोले थे? अच्छा, बाल काटने की जब बात की गई उनसे, उन्होंने आपसे, तो आपने उन्हें बोल दिया कैंची पकड़ो और खुद अपने बाल? अरे नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। आपके टीचर्स भी ये कह रहे हैं? नहीं नहीं भैया, जो यहाँ पे पढ़ाते हैं वो भी ये कह रहे हैं, आपके बच्चे भी ये कह रहे हैं, और एक बच्चा नहीं तीन चार क्लासों के बच्चों का ये कहना है? नहीं भैया। तो इनके बच्चे झूठ बोल रहे हैं? बच्चे झूठ बोल रहे हैं क्या? आप सही बोल रहे हैं? अरे नहीं, बच्चों ने काट लिए होंगे लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, आपने नहीं बोला? नहीं भैया। जब हमने वहां पर रसोई में पहुंचकर जानना चाहा कि किस तरह की सब्जियां बच्चों को खिलाई जाती हैं, तब हमने वहां पर एक टोकरी में सड़े हुए पत्ते देखे। हमारे पूछने पर बताया गया ये पत्ते कल रात के हैं, जिन्हें फेंकना भूल गए। जब हमने वहां के कर्मचारियों से पूछा कि आज जो सब्जी बनाई थी उसका कचरा कहाँ है, तो जवाब मिला कि वो कचरा फेंक दिया है। हमने कचरे का पूछा कहाँ फेंका, तो वो बताने में भी असमर्थता दिखाई गई। आज जो सुबह काटा उसका कचरा क्यों देख रहे हैं? कल रात का कचरा रखा हुआ है, आज का नहीं है। हाँ जी, बताए कहाँ आज का कचरा आपने दहेज के रखा है ऊपर, और आज का कचरा बोल रहे फेंक दिया, ऐसा क्यों किया आपने? ऐसा क्यों किया जनाब? थोड़ा अपनी साफ सफाई, साफ सफाई कल रात के कचरे की नहीं सर, वो डलिया उधर नीचे तो अभी सफाई नहीं तो ऊपर आ गई, और जो आज का कचरा था वो कहाँ है? वो अभी लेबर वाले। फिर कल का क्यों नहीं फेंका? नहीं सर, कब फेंकेगा? अभी सब्जी बना के बच्चों के लिए? नहीं जी, हैवी रहती है, थोड़ा पोछा लगा। कितने दिन पुराना है ये शलजम जो बच्चों को खिलाया गया? नहीं जी, शाम के खिलाया। उसकी हालत से नहीं लग रहा कि शाम का है, क्योंकि उसके जो पत्ते हैं पूरी तरह से मर चुके हैं, मतलब कम से कम ये 5 दिन पुराना है। क्या नाम लेते हैं आप? आपका नाम बताइए। हमारा नाम जी। क्या काम करते हैं यहाँ पर? किचन। आप ही बनाते हैं खाना यहाँ पर? हाँ।
है तो नहीं यहाँ पे वो गाय खा गए ना सर। गाय खा गई। गाय यहाँ पे आती है? आती है, ये भी बैठी है। कब तक रहती है गाय? पूरे नहीं रहती है। पाली हुई गाय है सर? पाली हुई नहीं है। ये छात्रावास है, यहाँ पे गाय नहीं आ सकती अंदर, ना गाय ना कोई जानवर। क्या नाम है आपका? प्रभा पटेल। कब से काम कर रहे हैं आप यहाँ? दो तीन दिन हुए। अच्छा, आज क्या बना था खाने में? आज खाने में हाँ आलू मटर, हाँ दाल, हाँ रोटी चावल। अच्छा, जो संयम रखे हैं उनका क्या किया था? अच्छा, तो वो क्यों नहीं फेंके? जब आलू मटर फेंक दिए तो वो क्यों नहीं फेंके? कचरा सर फेंक दिया, वो नहीं फेंका, ध्यान भूल गए, एकदम काम में लग रहे थे। ये कचरे की डलिया यहाँ रखी हुई है प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर खाना रखा होता है। हमने आपके आदरणीय बंधु से पूछा कि ये क्यों रखा है, उनका कल रात का कचरा फेंकना भूल गए है ना। आज का कचरा हमने इनसे पूछा तो वो फेंक चुके हैं, तो ये क्या है? क्या इसकी भी सब्जी बना के देने वाले थे बच्चों? नहीं मानी, ये चूक हो गई इनसे, मैंने कहा था नहीं, थोड़ी सी चूक हो गई इन लोगों से। क्या चूक हो गई? देती है, सुबह बोला था कि शाम को ही फेंकना चाहिए। हालत देख के आपको क्या लगता है कि भैया ने सलाह दिया था? कितने दिन पुराना हो गया? शाम का था भैया, शाम को दिया है सलाह की। क्या शाम की ऐसी बुरी स्थिति हो जाती है? नहीं भैया, शाम का है, झूठ नहीं बोलेंगे, शाम का है। नहीं तो शाम सड़ने के बाद दिया गया क्योंकि ये नहीं ये देखिए। अरे नहीं भैया, ये चुकंदर है। हाँ चुकंदर है ना जी, ये चुकंदर ऐसी नहीं होती है जब सड़ जाए, खराब हो जाए तब होती है। नहीं देखे आप, देखे सुबह आया था जी, मूली और चुकंदर गाजर सुबह, आज सुबह नहीं नहीं कल सुबह आया था। समझ से पा रहे हैं कि इतना पैसा इस एकलव्य छात्रावास के नाम पर आता है वह कहां जाता है? क्या वहां पर पदस्थ सभी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, या उनमें से कोई एकाध भी ऐसा बच्चा है जो इन सब बातों की पोल प्रशासन के आगे खोल सके और उन बच्चों को उन्हीं की दी हुई सुविधाएं दिला सके? आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।